वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। सो और एक नया ब्लॉग में आप लोगों के लिए लाया हूँ। सो देखिए, अभी हम जा रहे हैं शिव कॉलेज, जो सिलीगुड़ी से लॉन्ग टर्न होके उसके बाद ऊपर जाना पड़ेगा शिव कॉलेज में। सो लॉन्ग टर्न से कितना 10 से 15 किलोमीटर है, फिर हम लोग शिव कॉलेज में पहुँच गए हैं। सबको देखने को मिल रहा होगा, वो शिव कॉलेज का मंदिर है, जो बाबा का मंदिर है। चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ का बीचों में ये मंदिर बसा हुआ है। सो बाबा भोलेनाथ का मंदिर बोलबम। सो अभी तो बोलबम का सीजन है। बोलबम और हर महादेव, जय शिव शंभु। ये जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये पहाड़ का पत्थर है, जो पत्थर से ये मूर्ति बना हुआ है। ये गणेश जी है और ये दो क्या मालूम नहीं है। सो आप लोग को दिखाया, आप लोग देख सकते हैं। ये बुद्ध का मंदिर, बुद्ध है वहाँ पर बैठा हुआ है। देखिए कितना अभी हम मंदिर का अंदर घुस गए हैं। सो देखने को मिल रहा होगा, ये मंदिर है बाबा का, भोलेनाथ का मंदिर है। मंदिर का पीछे आपको देखने को मिल रहा होगा, पीछे आया। सो पीछे में नदी है, नदी से पानी बह रहा है, बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरा है। तो मेरा दोस्त लोग यहाँ पर नहाया। उसके बाद वो हो गया, उसके बाद आप लोग को लेके चलना है और एक मंदिर पे। सो वहाँ पर ही है, वहाँ के पास में ही है। सो वो भी मंदिर आप लोग को देखने को मिलेगा होगा। सो देखिए हम जा रहे हैं वो मंदिर के ऊपर। मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, उसके बाद एक फ्रेंड भी है हम लोगों के साथ, उसका भी एक ब्लॉग चैनल है होम टाउन सिलीगुड़ी। यूट्यूब में जाएगा, सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा आप लोगों के लिए। नीचे उसके बाद मंदिर वंदिर घूम के उसके बाद हम लोग नीचे जा रहे हैं, जहाँ पर पानी नदी है पास में, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है। अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा भी है, मौसम भी अच्छा है।